ये अपनी ट्रेन 11409 कर गया। मैंने क्या किया भाई, ऐसे लास्ट में बात करी। महाराष्ट्र का लास्ट रेलवे स्टेशन आ गया है जहाँ से हम जा रहे हैं धर। यहाँ से हैदराबाद की ट्रेन पकड़नी है। वेलकम टू हैदराबाद। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, भाई क्या हाल चाल है, स्वागत है एक और न्यू वीडियो के अंदर और न्यू शहर के अंदर। तो ये था भाई अहमदनगर, जिसके अंदर कुछ खासा देखने को नहीं था, बस हम लोग गुरु घर के अंदर रुके हुए थे, थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया और यहाँ पर दर्शन किए। और अभी हम जा रहे हैं भाई अहमदनगर के रेलवे स्टेशन से, जो कि बिल्कुल ही आउट है, हमारे अपोजिट है, यहाँ से 7 किलोमीटर है। तो निकलते निकलते टाइम बहुत हो जाएगा। और कितने बजे की ट्रेन है अपनी? 6 बजे की ट्रेन है। 5 बज गए और अभी ऑटो करना पड़ेगा। पहली बार ऑटो कर रहे हैं जब से हम ही चाय की कर रहे हैं, तो देखते हैं कितने रुपए लगते हैं। बाकी जो हम जा रहे हैं वो जा रहे हैं हैदराबाद। हैदराबाद यहाँ से लगभग 15 घंटे का जो टाइम लगता है यहाँ से जाने में ट्रेन से, लेकिन यहाँ से ट्रेन डायरेक्ट नहीं चलती। वो आप पता नहीं है क्यों नहीं चलती, रूट नहीं होगा डायरेक्ट। यहाँ से पहले नांदेड़ जा रहे हैं, 6 बजे की ट्रेन है, 8 बजे तक वहाँ पहुँचेंगे। और 8 से यहाँ 8:30-9 बजे की ट्रेन होगी ना, वहाँ से 9 बजे की ट्रेन है, 8:55 की है, और वहाँ से ट्रेन पकड़ के हैदराबाद। तो सुबह आपको घुमाएंगे भाई हैदराबाद शहर, बाकी जो होगा देखी जाएगी। बाकी उसको कहते हैं निज़ामों का शहर, उसकी हिस्ट्री वगैरह भी बताएंगे, बाकी हिस्ट्री से ज़्यादा घुमाने पे दिलचस्प हमारा। और ये था भाई गुरुघर, और चलते हैं अभी रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन से नांदेड़, नांदेड़ से हैदराबाद। हैदराबाद देखो यहाँ से 525 किलोमीटर दूर है। सो भाई गलियों में से निकलते निकलते जा रहे हैं, हाईवे छोड़ दिया, हाईवे से दिखा रहा था भाई 5.5, यहाँ से 1 किलोमीटर कम कर दिया क्योंकि हमने लगाया था बाइक वाला, तो बाइक में जाम दिखा रहा था, तो यहाँ पर जाम तो है ही है। बाकी पहुँचते हैं भाई रेलवे स्टेशन, 5:57 की ट्रेन है और 5:30 हो गए हैं भाई, लेट हो जाएंगे, 4 किलोमीटर पैदल कवर करना है। 100 रुपये मांग रहे हैं भाई साहब ऑटो वाले। भाई ये आया है स्ट्रीट्स, मंदिर है बीच में, और स्ट्रीट्स घूमने का एक अलग ही मजा है। सो गाइस फाइनली रेलवे स्टेशन तक पहुंच गए, यहाँ से 300-400 मीटर रह गया, सामने उधर झंडा लगा है रह गया, और ऑटो वाले भाई 100 से 120 रुपये तक मांग रहे थे 4-5 किलोमीटर का। हमारी 6:28 पे आएगी, लेट हो गई मतलब आधा घंटा। बाकी अभी रेलवे स्टेशन आने वाला है, चल चल के आया भाई काफ़ी ज़्यादा। सो गाइस फाइनली दो चार सौ मीटर था वो भी कंप्लीट कर दिया और पहुंच गए भाई रेलवे स्टेशन के। और ये था भाई इधर से एंट्रेंस, बाकी थोड़ा ही रह गया है, अभी अंदर चलते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं भाई। 6:28 की है, 6:20 होने वाले हैं। भाई बिल्डिंग देखो कितनी खूबसूरत बनी हुई है अहमदनगर की, यही है भाई मेन रेलवे स्टेशन। अभी चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं क्या बनता है इधर की साइड एंट्रेंस गेट। सो भाई वेट कर रहे हैं ट्रेन का, 40 मिनट लेट हो गई है, ये जा रही है भाई कर्नाटका एक्सप्रेस करके कोई ट्रेन थी वो निकल रही है, और हमारी है 40 मिनट लेट, बस आती होगी थोड़ी देर में, बाकी अभी तक बैठे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं। गाइस अभी एक और प्लान में चेंज है, अब नांदेड़ नहीं जाएंगे, डायरेक्ट निज़ामाबाद जाएंगे, वहाँ से 176 किलोमीटर से अपना हैदराबाद, निज़ामाबाद में देखेंगे घूमने को होगा तो घूम लेंगे, नहीं तो फिर हैदराबाद के लिए लिफ्ट लेंगे, वहाँ से यहाँ पर ट्रेन पकड़ लेंगे। अब नांदेड़ का थोड़ा सा प्लान कैंसिल है, नांदेड़ नहीं जा रहे, सीधा जाएंगे भाई निज़ामाबाद। अपनी ट्रेन बस आ ही रही है थोड़ी देर में, 10 मिनट और लेट है। अभी देखो 6:00 हो रहे हैं, 6:32 हो रहे हैं, 40 तक आ जाएगी। मच लेट है अब अपनी ट्रेन, 1.5 घंटा एक घंटा तो समझ लो लेट हो गई है, और अभी आ रही है, तो तब तक हमने खाना पीना खा लिया जो भी हमने लेना था स्टेशन से। बाकी ट्रेन काफ़ी ज़्यादा लेट है यार, क्या कर सकते हैं, अभी वहाँ पहुँचेंगे भी लेट और आएंगे की ट्रेन भी निकल जाएगी। 1 घंटा हो गया भाई यहाँ पे बैठे हुए, अभी और क्या पता, अभी बस अनाउंसमेंट हो गई है, अभी देखते हैं आ रही है कि नहीं।
ये अपनी ट्रेन 11409 करके है, पता नहीं गलत होगा तो नंबर पता नहीं मेरे को, लेकिन आ गई देखो अपने पीछे, काफी वेट करा दिया इसने, अभी हैदराबाद पता नहीं कब पहुंचेंगे। चल ए ही नहीं आ रहे थे भाई, ये तो डीएम ही हुआ है, नहीं मीमो, हाँ मीमो मीमू बाहर आएगा भाई, जड़ी सीधी जी गल है, हाँ केड़ी डीएम यू है मीमो, नजारा पूरा आएगा ते मीमो करके है कोई गाड़ी, हाँ 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 गड्डी लोकल ही है, लोकल है भाई गाड़ी, ये मीमो कर गया अभी सीधा नांदेड़, और नांदेड़ से निजामाबाद, मेन तो निजामाबाद ही है, बाकी हैदराबाद की तो देखेंगे जो भी है जैसा भी है, अभी चल रहा है सीन, हमको नहीं पता था भाई ये वाली ट्रेन है, नांदेड़ नहीं जाना, आपा जाना है, आपान जाएंगे निजामाबाद। हाँ सो भाई सीटिंग देखो इसकी कैसी है, ऐसी सीटिंग है, ये कुछ है ये गद्दे अद्दे नहीं है, तो उसी की जैसे लोहे की लगी रहती है, बस रंग है इस पे, आगे इधर है स्लीपिंग जैसा होता है वो है, आगे पूरी ट्रेन सेम ही ऐसी, और ये भाई लटकने वाली लोकल ही है पूरी, तो कोई चक्कर आने नहीं वाला, क्यों भाई हैं निकलते हैं, अभी ट्रेन ने हॉर्न दे दिया है, अभी चलते भाई, हॉर्न दे तो दिया ही है, बाकी बाकी जो है अपना क्या बोलते हैं, ऐसी ये वाली मीमो ट्रेन है, इसमें पहला टाइम एक्सपीरियंस है मेरा, और इतना लंबा जा रहे हैं, तो देखते हैं अभी, ये बैग अपना ये रखा है, एक ये रखा है और एक ये बैठा है। अच्छा तो जनाब डिपार्चर हो चुका है यहाँ से, ये है अहमदनगर का रेलवे स्टेशन, यहाँ पर आने के लिए मशक्कत काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ी थी, लगभग 6 किलोमीटर चल के आए, अभी ये रेलवे स्टेशन से फटाफट निकलते हुए अभी आगे की तरफ निकल रहे हैं, अभी जितना भी जो भी स्टेशन वगैरह वो कवर नहीं करेंगे, अभी तो सोएंगे, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। भाई जिंदगी के असली मजे लेते हुए, अलग अलग ट्रेन के एक्सपीरियंस करते हुए, मेट्रो में तो अभी तक मैं नहीं चढ़ा, लेकिन ये मीमो करके है चढ़ गए हैं, लोकल है तो गाड़ी, जैसे ट्रेन निकल चुकी है अपनी, हैदराबाद जाएंगे यहाँ से, ये ट्रेन डायरेक्ट नहीं जाती हैदराबाद, ये निजामाबाद जाएगी, निजामाबाद से फिर से चेंज करेंगे 176 किलोमीटर की, और भी चल पड़ी है भाई, ये देखो इसमें चोरी होने का भी कोई डर नहीं है, कोई चोरी वोरी नहीं है, यहाँ से वीडियो बनाएंगे, ठंड लग रही है भाई साहब को, तो ये बंद करने लगे हैं, इतनी वैसे ठंड है नहीं है। ये भी अंकल जी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं और आनंद लेते हुए चलते हैं, हमारे लिए अच्छी बात ये है कि स्लीपर क्लास और जनरल क्लास का इसके अंदर कोई सीन नहीं है, सारी लोकल डिब्बे हैं इसके अंदर, तो चल रही है मजे के साथ, मनमाड़ से होते हुए ये दूसरी साइड को निकल जाएगी, मतलब फिर से मनमाड़ से होते हुए इसका रूट जा रहा है। पर हमने खाया था भाई एक समोसा दो बड़ा पाव, और बड़ा नहीं था उसमें, अकेले पाव थे 3-3 रुपए वाले, चिल्लर हमारे पास बहुत रखे, चिल्लर यानी सिक्के रखे हैं, तो ये सर हैं ये खाना लेके आए थे, इन्होंने हमको ऑफर किया खाना, तो इनके पास भी नहीं है खाना इतना ज़्यादा, फिर भी ऑफर किया, तो भाई इंसानियत जिंदा है अभी भी, बाकी देखो ये अभी खा रहे हैं इधर बैठ के, और इनको ऑफर किया था और हमको भी ऑफर किया था, सेम ही हम दोनों, बाकी मजे थे हम इधर से, हमने सोचा ये इस पे गद्दे अद्दे नहीं थे, तो हमने सोचा इधर से चेंज कर लें, इधर सीट सही है स्लीपर जैसी, सो ये भाई साहब बैठ चुके हैं अपनी जगह पर आ गए, और ये बढ़िया यार काम सही है, हाँ ये सेट है भाई, फुल खाली है भाई, देखो ये वाली सेट है थोड़ी सी सीट, तो ये देखो ये अपनी स्लीपर में जैसी रहती है नॉर्मल वैसी है, स्पंची सी, बढ़िया भाई, उधर से तो इधर की साइड हमने देखा भाई, इधर की साइड आ जाते हैं, लास्ट डिब्बा खिड़की भी फुल ओपन है, बट इधर थोड़ा सा डर है, इधर से चोरी वोरी हो सकती है, बट कोई चक्कर वाली इस बात नहीं है, लोकल ट्रेन है भाई, DMU 5-6 स्टेशन रुकेगी मनमड़ पे, मनमड़ के बाद ये और भी आगे को निकल जाएगी। चलो भाई नज़ारे ले रहे हैं जिंदगी के, आप भी जो नज़ारे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो यार, और अच्छे नज़ारे देखने के लिए, वीडियोज आती हैं 6 से 7 दिन लेट, आप लोगों को डेली नोटिफिकेशन या लाइव अपडेट मिला करेगी इंस्टा पे, नीचे यहाँ पर शो कर रहा होगा इंस्टा ID, यूज़र ID मेरी, लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी आप मर्जी है करना हो शेयर होगा सब्सक्राइब, अरे जो करना आपको कर देना, मजे ले रहे हैं भाई जिंदगी के, क्यों भाई नज़ारे हैं कि नहीं है भाई साहब, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे फॉलो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ शो करा दो। मजा आ रहा है यार, जोश है ना, खाली खाली ट्रेन है ना इस चक्कर में,
सोचा इसमें चार्ज लगाते हैं, अपना चार्ज निकालने की पहले सोचा, मैंने सोचा इसमें देख तो ले है कहाँ पर चार्जर, ऊपर देखा तो भाई ये देखो ये बटन है, दो बटन उधर है, दो चार बटन उधर है ही नहीं है भाई इसमें चार्जर लगाने के लिए, सॉकेट ही नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, डीजल है शायद, पता नहीं कौन सी है, नहीं है भाई इसके अंदर, अब चार्ज लगाना पड़ेगा पावर बैंक से, बैटरी वैसे इसके अंदर 70% है मोबाइल के अंदर। सोच रहे हैं कि अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, अभी वन क्या बोलते हैं, अभी जो रोहारी करके एक रेलवे स्टेशन है वो आने वाला है, देखो भाई पूरी ट्रेन ऐसी है खाली, हम भी ऐसे लेटे हुए हैं, डेढ़ में चल रहे हैं मज़े, बाकी भाई इधर कुछ अपने थंब पे लगा रहे हैं बैठ के इधर की साइड, हम सोच रहे हैं हमारा मेरा क्या यार ये वाला जो शोल्डर सा है ना, शोल्डर के नीचे जो ये हड्डी सी रहती है दर्द कर रही है, पता नहीं क्यों करती है लेकिन कर रही है यार, ये बैग इतना भारी टांग के शायद थोड़ा बहुत दर्द करती है, पहले इतना भारी भारी बैग टांगे नहीं है ना इस चक्कर में शायद से, बाकी अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं फिर जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होती रहेंगी हमारे साथ दिखाते हैं। स्टेशन आया बेलापुर करके, तो स्टेशन आ गया, सोने लगा था मैंने सोचा अभी 10 बज गए वैसे तो 10 बजने वाले होंगे, पता नहीं बजे हैं कितने, मैं तो थोड़ा सा सो रहा था तो याद आई कि भाई बैग को ना थोड़ा सेफ्टी के साथ रखते हैं क्योंकि ये लोकल ट्रेन है, भीड़ इसमें बहुत कम है ये देखो, तो यहाँ पर थोड़े से चोरी वोरी का चांस ज़्यादा हो सकता है क्योंकि इधर कोई होगा भी नहीं, मैंने क्या किया भाई ऐसे लात में बात किया ये ऐसे करके जुगाड़ लगा लिया है, अभी थोड़ा सा सोता हूँ, वैसे इसको उठा के मैं अपने पीछे रख लूँगा ऐसे करके, मस्त से जुगाड़ लगाने पड़ते हैं भाई, फर्स्ट टाइम चढ़े हैं ऐसी ट्रेन में तो कुछ भरोसा नहीं है मेरे को, तो ऐसे जा रहे हैं ये बांध लिए मैंने। The next so, hello, good morning guys. स्वागत है फ्री का एक और नए दिन के अंदर, भाई अभी हम लोग पहुंचे हैं श्री हजूर साहिब नांदेड़ और सुबह के 6:30 बज रहे हैं और मुँह ही धोया अभी उठ के क्योंकि यहाँ पर वॉशरूम बहुत गंदे हैं, यहाँ से डिपार्चर हो गया हमारा अभी जस्ट थोड़ी देर हुई है, बाकी ये देखो यहाँ से डिपार्चर देखो यार, बस अभी हम लोग 12 बजे तक पहुंच जाएंगे निजामाबाद, और अभी भी देखो खाली रखी है ट्रेन, बिल्कुल खाली है, पूरी ट्रेन खाली है, भाई सो रहे हैं अभी और हम उठ गए हैं क्योंकि ये सोए थे 4 बजे के करीब, पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे, मैं तो सो गया था उसी टाइम में, बैग को बांध के सो गया था और नज़ारे लेते हैं भाई पूरी लाइफ के, एक बार फिर से आपको गुड मॉर्निंग, अभी मुंह धोते हैं कहीं पर अच्छा सा स्टेशन देख के, यहाँ पर थोड़ी देर 5-10 मिनट गाड़ी रुकती है, बाकी इधर वॉशरूम वगैरह है बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन है उसकी, और नांदेड़ से भाई गुड मॉर्निंग है और नांदेड़ में हम आएंगे 17 तारीख को द्वारा से आएंगे, ये भी घूमना है अभी हमने यहाँ पर दर्शन करने हैं गुरुद्वारे जी गुरुद्वारा साहिब के, और अभी हम जा रहे हैं हैदराबाद तेलंगाना घूमेंगे, आंध्र प्रदेश घूमेंगे, फिर हम 18 बजे वापस आएंगे। सनराइज भी हो गया है और 7 बज गए, सॉरी मैंने पहले 6:30 या 6 बोल दिया था, 7 बज गए हैं, सनराइज हो चुका है ना, अब ये खड़ी अपनी ट्रेन और ये बैक साइड है इसका, इसी के डिब्बे के अंदर बैठे हुए हैं, बाकी अभी यहाँ से निकलेगी ये, अभी निकलेगी क्या 2 घंटे से, तो भाई ये लेट ही हो गई है, मतलब यहीं पर ही खड़ी है 2 घंटे से, और यहाँ पर ये पानी आनी था, हमने पानी भरा मुँह हाथ धोने के लिए, वॉशरूम के अंदर कुछ भी पानी वगैरह नहीं है, और इस स्टेशन का नाम है भाई सिवन गांव करके, और यहाँ पर तेलुगु भाषा स्टार्ट हो गई है, मतलब कि फर्स्ट नहीं हुई अभी, थर्ड पे है, और जब फर्स्ट पे आ जाएगी तो समझ लेना तेलंगाना के अंदर एंटर हो चुके हैं, बाकी जो भाषा है प्रयोग होनी शुरू हो गई यहाँ से, क्योंकि तेलुगु मतलब तेलंगाना के बहुत पास है ये वाला गाँव, मतलब कि यहाँ से 2 स्टेशन छोड़ के अपना तेलंगाना लग जाएगा, और हैदराबाद घुमाएंगे भाई आप लोगों को, हैदराबाद के बाद वारंगल जाने का प्लान है और आगे का प्लान मैं बता नहीं सकता, बाकी जो होगा देखेंगे, ये खड़ी है भाई ट्रेन, वहाँ बैठे हैं हम, चलते हैं अभी ट्रेन के अंदर, क्या पता निकल ही जाए, और फिर बाद में
देखते हैं अभी कहां पर हम लोग अभी मतलब स्टे करेंगे। स्टे का भी प्रबंध कुछ नहीं है, जैसा भी रहेगा भाई बताते हैं। स्टे वगैरह का तो अभी कोई पक्का नहीं है कि देखेंगे जो भी स्टे वगैरह का। तो और रात को मैं तो सो गया था भाई 10 बजे के करीब और उठ गया था। फिर मैं उठा 5 बजे उठा, फिर ये भाई सोए 5 बजे, फिर मैं फिर सो गया, ये सो गया, मैं भी सो गया। फिर क्योंकि मेरे को पता था तो सुबह हो गई भाई, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ट्रेन आ रही है, कोई क्या ट्रेन आ रही है भाई, ट्रेन आ रही है। चलो मिलते हैं आगे आगे जो भी पड़ा होगा। अभी तो ये ट्रेन हैदराबाद डायरेक्ट जाएगी नहीं, ये रुकेगी। तो जनाब डिपार्चर भी हो गया है और चल पड़ी है ये। तो भाई यहाँ पर बन रहा है भाई अंडरग्राउंड ब्रिज, यानी कि यहाँ से जो रेलवे क्रॉसिंग रहती है, यहाँ पर रोड क्रॉसिंग मिक्स रहती है, वहाँ से नीचे से निकलेंगी गाड़ियाँ, ऊपर से नहीं। इस चक्कर में नीचे से निकालने के लिए वहाँ पर खुदाई चल रही थी। Remember when we cried and stray apart, holding hands and making love out in your car. Never thought that it would end. So, जनाब उमरी करके एक रेलवे स्टेशन है, वो आया है वहां से 10 किलोमीटर ही होगा इतना चला है। बाकी देखो यहाँ पर भीड़ थोड़ी बहुत देखने को मिली है, और हम जहाँ से चले हमको बिल्कुल भी भीड़ वहाँ से देखने को नहीं मिली थी। यहाँ आए थोड़ी बहुत भीड़, यहाँ से अब रह गया है तेलंगाना का बॉर्डर, थोड़ा सा रह गया होगा 10-15 किलोमीटर या 20 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा। महाराष्ट्र का लास्ट रेलवे स्टेशन आ गया है, यहाँ से हम जा रहे हैं धर्माबाद है ये लास्ट स्टेशन। इसके बाद सीधा गोदावरी नदी, और गोदावरी नदी के बाद आएगा तेलंगाना का रेलवे स्टेशन, कोई भी आएगा तो तेलंगाना का ही। भाई अभी चल रहा है महाराष्ट्र का एरिया, और बस 2 मिनट के बाद आने वाला तेलंगाना का एरिया, मतलब तेलंगाना बॉर्डर आ जाएगा। वहाँ पर जो शहर लगता है सबसे पहला जो गांव है वो है रत्नापुर करके। बाकी देखो ये अभी महाराष्ट्र, थोड़ा सा आगे चलेंगे रत्नापुर आ जाएगा, और तेलंगाना में भाई स्वागत करते हैं। वेलकम टू तेलंगाना, पहले आंध्र प्रदेश हुआ करता था और न्यूएस्ट स्टेट ऑफ इंडिया है ये। शायद 2015 के अंदर ये बनी थी, 29th नंबर पर आती थी पहले, 29th स्टेट थी। अब तो जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा हटा दिया, तो 28th नंबर पे है। वेलकम टू तेलंगाना। गोदावरी नदी जो कि आपने देखा होगा नासिक में कितनी छोटी थी, और अभी देखो इसका विशाल रूप इधर भी काफी ज्यादा ह्यूज है भाई ये, काफी ज्यादा। तो भाई यहाँ से पथरीला इलाका चालू हो गया, यहाँ पर बड़े बड़े गोल गोल से पत्थर इतने ज्यादा दिख रहे हैं। देखो अगर आपको दिख रहे होंगे तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, और लग भी रहा है कि भाई हम किसी दूसरी स्टेट में आ गए हैं। महाराष्ट्र थोड़ी सी सूखी सी स्टेट लग रही थी, बट यहाँ पर तो भाई पैड़ी की क्रॉप है जो बहुत सारी लगी हुई है। बाकी पथरीला इलाका बहुत है, इधर पत्थर बहुत बड़े बड़े पड़े हुए हैं। इस कितनी सारी पैड़ी है, मतलब कि फसल लगी हुई है चावल की। तो जनाब फाइनली निजामाबाद पहुंच चुके हैं, इस्लामाबाद नहीं निजामाबाद। ये तेलंगाना में जो एंटर होते ही सबसे बड़ा शहर पड़ता है। बाकी अभी यहाँ से हैदराबाद की ट्रेन पकड़नी है, और ये भाई निजामाबाद का रेलवे स्टेशन कुछ ऐसा दिखता है भाई यहाँ पर। ये भाई लोकल ट्रेन थी जिसके अंदर हम आए थे, महिलाएं ओनली लेडीज, बट हमको क्या पता चल रहा था रात को हम कहाँ पर बैठे हैं। बस पहुँच गए अभी, हमारी यहाँ से दूसरी ट्रेन है 11:40 पे, वो भी थोड़ी बहुत लेट है। तो अभी यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करते हैं, बैठते हैं, खाने पीने का जुगाड़ करते हैं, और फिर यहाँ से हैदराबाद को निकलते हैं। सुबह प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ जाते हुए, और ऊपर से दिखाता हूँ भाई कैसा ये रेलवे स्टेशन। बाकी तो खाली रखा है भाई पूरा, मतलब इतनी इधर है नहीं है ज़्यादा भीड़ भाड़ जैसे अपने नॉर्मल रेलवे स्टेशन पे होती है, खाली है पूरा रेलवे स्टेशन का। मतलब जो मेन वाला पार्ट है वो उधर है प्लेटफॉर्म नंबर 1, उधर चलते हैं, वहाँ से ट्रेन पकड़ते हैं। देवगिरी एक्सप्रेस करके कोई ट्रेन है। सो गाइस पीछे अपने ट्रेन आ गई है भाई देवगिरी एक्सप्रेस, ये जाएगी भाई हैदराबाद लेके सिकंदराबाद ऐसे कुछ करके है। तो चलते हैं भाई, बैठते हैं इसके अंदर और D1 में बैठ के जाएंगे भाई। चलते हैं अभी यहाँ से, ये है भाई निजामाबाद, यहाँ से हैदराबाद को निकलते हैं। Thank you.
क्या भीड़ देखो यार, कितनी है सेकंड सेटिंग में, क्या कैसे बैठ के जाएंगे इसके अंदर, पूरी सेकंड सेटिंग भरी रखी है, पता नहीं उतर रही है क्या, भरी है ये देखो। चलो बैठना तो पड़ेगा भाई, चलते हैं अभी अंदर की साइड। तो जनाब अपना डिपार्चर हो गया निजामाबाद से, ये रहा भाई बाय बाय, अभी जाएंगे भाई हैदराबाद, हैदराबाद में सिकंदराबाद है वहाँ पर जाना है, वहाँ से गुरुद्वारा ढूंढेंगे, गुरुद्वारे में स्टे करेंगे, और क्या स्टे का प्रबंध अभी हुआ नहीं है, गुरुद्वारा ढूंढेंगे वहीं पर ही करेंगे स्टे। जनाब फाइनली सिकंदराबाद पहुंच गए, ये हैदराबाद के अंदर ही आता है, थोड़ा सा आउट में, यहीं से हमको पास में गुरुद्वारा मिल दिख रहा था तो हमने सोचा यहीं पर ही उतर जाते हैं, और ट्रेन भी यहीं तक ही चलती है, ये लास्ट पॉइंट है इसका, और ये है शायद से प्लेटफॉर्म नंबर कितना है ये भाई, 1 2 पता नहीं भाई, इसमें 10 प्लेटफॉर्म से प्लस है तो अभी कन्फर्म नहीं है। तो फाइनली भाई पहुँच गए सिकंदराबाद, सिकंदराबाद वेलकम टू हैदराबाद ही समझ लो, हैदराबाद के अंदर ही आता है, बाकी अभी यहाँ से निकल रहे हैं, पहले आते हैं गुरुद्वारा के अंदर, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, आपको पता है हम गुरुद्वारे में ही ज़्यादातर स्टे वगैरह करते हैं, यहाँ पर पास में है 1 किलोमीटर के पास में, वहाँ चलते हैं। चलो कहाँ पहुँचे हम लोग, सिकंदराबाद। अरे सिटी कौन सी है ये, हैदराबाद। और भाई इधर बोली जाती है तेलुगु भाषा, तेलुगु भाषा पता तुम्हें, द्राविडियन लैंग्वेज में आती है। पुष्पा झूठे कहते, ये तो हिंदी है भाई। अरे भाई तो डायलॉग तो असली तो उसी में है, तेलुगु में। हाँ वो तेलुगु जाटी कहता है, तो भाई ये द्राविडियन लैंग्वेज है जो कि मतलब हिंदी से भी ओल्ड है, तो अभी चलते हैं भाई गुरुद्वारे में, थोड़ा सा स्टेशन को पार करना है, चाय नहीं पी, सुबह से चाय पीते हैं, देखते हैं क्या बनता है।